हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिफरेंट नंबर तरह के नंबर सिस्टम आपका डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अब कन्वर्जन का शुरू कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमने आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, मैंने डिफरेंट कन्वर्जन को जो करीब 12 तरह के कन्वर्जन थे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके सिक्स कैटेगरी में कर दिया था। तो आज हम लोग पहली कैटेगरी का कन्वर्जन उठा रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया है कि यही तीनों कन्वर्जन हमने क्यों इस लेक्चर में लिए हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसलिए इन तीनों को एक साथ लिया है कि इन तीनों को करने का मेथड सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक को आप पहले समझिए, बाकी दो को आप इजिली कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमने आपको कोई डेसिमल नंबर दिया से 99 base 10 में, और हमने कहा इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। तो देखिए, जब भी हम डेसिमल से एनी अदर नंबर सिस्टम, केवल इन्हीं तीन की बात नहीं है, एनी अदर नंबर समझ लीजिए इसको, नंबर सिस्टम, किसी और नंबर सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि गिवेन नंबर को, गिवेन नंबर यहां पे क्या है, 99, 99 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर, यहां पे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर देखिए हमने लिख दिया, वो हम यहां पे लिखेंगे, अगर 0 आएगा तो 0 लिखेंगे, 1 आएगा तो जो भी आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको करते जाइए। तो मान लीजिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, एक रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, फिर ऐसे ही आप डिवाइड करते जाइए, फिर हो गया 12 आएगा, कुछ नहीं बचेगा 0, फिर 2 छक 12, फिर कुछ नहीं बचेगा 0, फिर 2 तिया 6, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर 2 एक कम 2, बचा 1, और ये जो लास्ट में 1 बचेगा, ये जो लास्ट में 1 बचेगा इसको आप यहां लिख लेंगे 1, और नीचे से ऊपर आप नंबरों को लेफ्ट टू राइट लिखिए, तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 0 1 1। देखिए पहले ये 1 1 1 0 0 0 और फिर 1 फिर 1, इस तरह लिखेंगे, ये आ गया आपका बाइनरी में आंसर। ठीक, तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह करेंगे। मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि से 13 है base 10 में, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो सेम फंडा लगाइए, पहले आपने लिखा 13, 2, यहां हम लिख देंगे रिमाइंडर r, 2 छक 12, 1 बचा, 2 तिया 6, कितना बचा 0, फिर 2 एक कम 2, कितना बचा 1, और ये लास्ट में जो नंबर बचेगा, भाई ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसको हम लिख लेंगे यहां पे, और नीचे से ऊपर यानी पहले ये 1 लिखेंगे, तो हो गया 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। देखिए सबसे पहले ये 1 1 0 1, यानी नीचे से ऊपर जो नंबर है उनको हम लेफ्ट टू राइट लिख देंगे, ये आ गया आंसर। क्लियर, तो ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। अब आ जाइए आपका सेकंड है डेसिमल टू ऑक्टल। तो मैंने कहा ना कि मेथड देखिए सेम है, तो अब डेसिमल टू ऑक्टल अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल टू ऑक्टल के लिए मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी नंबर सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है से 4 6 5 base 10, किस में कन्वर्ट करना है हमें, से ऑक्टल में।
तो देखिए मेथड वही रखिए, किस पे कन्वर्ट करना, ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस कितना है 8, इससे डिवाइड करेंगे किसको, गिवन नंबर को, तो कितना आएगा 8 × 5 = 40 और 6 × 65, 8 × 64, एक बचा, यहां लिखिए रिमाइंडर 1, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 7 = 56, बचा 2, फिर 8 से, तो अभी 8 से तो जाएगा नहीं 7, 7 को हम यहां लिख लेंगे, तो ये आंसर आ गया आपका, वही फ्रॉम बॉटम टू टॉप को हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे 7 × 1, ये आ गया ऑक्टल बेस में, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है 2548, किस में दिया है, बेस 10 में, इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, ऑक्टल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2548 और 8 से डिवाइड कीजिए इसको, और यहां रिमाइंडर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 1 = 14, 8 × 1 = 8, बचा 6 = 68, 8 × 64, बचा 4, फिर 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 × 3 = 24, 7 = 78 आया, 8 × 9 = 72, 6 = 6, फिर 8 × 4 = 32, 7 = 7, अब ये 4 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे 4, फिर बॉटम टू टॉप जाइए, कितना हो जाएगा 4764, ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया 4764, क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा मेथड था, वो तीसरा हम लोग क्या था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसको और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर आपका डेसिमल में दिया है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेथड तो वही है कि उसके बेस से जिस नंबर सिस्टम में हमको जाना है, हमें आंसर चाहिए, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सपोज कीजिए 9263 बेस 10, किस में जाना है, हमें किस में निकालना है, हेक्साडेसिमल में, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये हमने लिखा 9263, डिवाइड किससे करेंगे, 16 से, ठीक। तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, तो यहाँ पे आएगा 16 × 5 = 80, 12 = 126 आएगा, ठीक है, फिर 16 × 7 = 112, ठीक, फिर 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ लिखिए रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका बचेगा 15, तो देखिए 15, तो अभी हमने देखिए प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक डिजिट यूज करते हैं, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के लिए क्या यूज करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 16 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रिमाइंडर है, तो 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, तो यहाँ पे 15 की बजाय आप रिमाइंडर लिखिए एफ, फिर इसको 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 × 3 = 48 आ जाएगा आपका, और 16 × 6 = 96, अब कितना बचा, 2 बचा, फिर 16 से डिवाइड कीजिए, 16 × 2 = 32, कितना रिमाइंडर बचा, 4, अब ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं 16 से, इसको 2 यहाँ लिख लीजिए, और फिर से बॉटम टू टॉप को लेफ्ट टू राइट, यानी 2 4 2 F, ये इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया आंसर 2 4 2 F, क्लियर, ये हो गया इसका। अच्छा, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हमने कहा 4259 बेस 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक, मेथड सेम रहेगा, 16 से डिवाइड कीजिए किसको, 4259 को 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, तो पहले क्या होगा, 16 × 2 = 32, फिर 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96, बचा कितना, 3,
फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 16 एकम 16 और 16 कितना रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 10, तो 10 तो यूज करेंगे नहीं ऐसा डिसल में, 10 की जगह क्या लिखेंगे ए, तो इस 10 को हटा के हम लिखेंगे ए। फिर 16 से डिवाइड किया हमने, 16 एकम 16 रिमाइंडर कितना बचा 0, और ये 1 डिवाइड नहीं होगा 16 से तो ये लिख देंगे 1। फिर बॉटम टू टॉप चलिए, आंसर क्या आ जाएगा 1083, ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल में आंसर। तो आई होप कि आपको ये तीनों कन्वर्जन एकदम क्लियर हो गए होंगे, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और देखिए कोई इसमें क्या है कि इसमें एक चीज मैं और आगे आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो जनरलाइजेशन है वो आप समझ लीजिए। ये तो चलिए मैंने आपको जो जनरली आस्क्ड है आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमने आपको बता दिया। अब हम जनरल, देखिए जनरल डिस्कशन एक कर रहे हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये आ गया कि सपोज कीजिए आपको दे दिया डेसिमल में कोई नंबर लीजिए, हमने कहा 325 इन डेसिमल, और उसने ये कहा कि इसको बेस 7 में चेंज कीजिए, समझ रहे हैं। अब कैसे होगा, आप कहेंगे भाई हमने तो डेसिमल पढ़ा है, बाइनरी पढ़ा है, ऑक्टल पढ़ा है, हेक्साडेसिमल पढ़ा, इसका बेस 2 होता है, इसका 8 होता है, इसका 16 होता है, 7 बेस वाला तो हमने पढ़ा है नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो मेथड आप वही लगाइए। मेथड हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आप डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो उसके बेस से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लिखिए और आंसर आ जाएगा आपका, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो आप जरा बेस में एंड डिजिट्स यूज में रिलेशन होता है वो आप ध्यान रखिए। क्या बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक है, डिजिट यूज्ड सारे नंबर सिस्टम में शुरुआत होगी 0 से, जाएगा कहां तक बेस से 1 पहले तक। अगर हम बेस आर मान लें तो डिजिट यूज होगा 0 से शुरू होगा और आर माइनस 1 तक जाएगा, यानी बाइनरी की केस में 0 से 1 तक, यानी और हमें मालूम भी है कि बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। अच्छा अब हम ऑक्टल की बात करें, बेस 8, तो क्या होगा 0 से कहां तक जाएगा 7 तक। तो ऑक्टल में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यही होता भी है, ठीक। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में तो 0 से हम कहां तक जा सकते हैं 15 तक, तो आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में भी यही होता है, 0, 1 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करते हैं और हम लोग फिर ए से लेकर एफ तक जाते हैं, ये 15 तक जाता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम लौटते हैं इस क्वेश्चन पे, 325 दिया हुआ है डेसिमल में और इसको हमें बेस 7 में चेंज करना है। तो क्वेश्चन दिया है आपका 325 इन डेसिमल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 7, ठीक। तो देखिए अभी जितना आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से बेस 7 वाले सिस्टम में, नंबर सिस्टम में कौन सा डिजिट यूज होंगे, 0 से लेकर कहां तक 6 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब कन्वर्जन का मेथड वही है, क्या किया हमने 325 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, यहां लिख देंगे रिमाइंडर, 7 चौक 28 बचा 4 45, 7 छंग 42 रिमाइंडर कितना बचा 3, फिर यहां लिखेंगे 7 छंग 42 रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर 7 तो से डिवाइड नहीं होगा 6, तो 6 हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे, बॉटम टू टॉप लेंगे, आंसर क्या आएगा 643 किसमें, बेस 7 में, दिस इज द आंसर। तो देखिए ये अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आए डेसिमल को किसी भी डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम अगर ये मेथड आप लगाएंगे तो इसको आप कर सकते हैं।
क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी थी इम्पोर्टेंट, वो और आप ध्यान रख लीजिए कि देखिए, जो हमने आपको बेस में और डिजिट्स यूज में रिलेशन तो बता ही दिया, रिलेशन, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर सिस्टम में उसका जो बेस है, मतलब जो अभी आपको बताया कि जीरो से आर माइनस वन तक का ही डिजिट यूज होगा, आर या उससे ज्यादा की डिजिट यूज नहीं होगी, यूज नहीं होगी। जैसे अगर हम बेस एट की बात करें तो जीरो से सेवन तक गाड़ी जाएगी, फिर आठ नौ दस ये नहीं इस्तेमाल होगा। अगर हम बेस टेन की बात करें तो जीरो से नाइन तक जाएगा डिजिट्स, फिर टेन इलेवन ये सब नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।